अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से बाल रूप स्कंद कुमार की पूजा पूरी मानी जाती है। देवी स्कंद माता की पूजा करते वक्त नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें और नारंगी रंग के कपड़ों और श्रृंगार सामग्री से ही देवी को सजाएं। इस रंग को ताजगी का प्रतीक भी माना जाता है। देवी अपने इस रूप में यानी स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, इसीलिए भक्त जो चाहे उनसे मांग सकते हैं। पूजा विधि। नवरात्रि के पांचवें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। भोग। स्कंद माता को केले प्रिय है, इसलिए उन्हें केले का भोग लगाएं और बाद में इस भोग को ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से साधक का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। माँ को केले का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस तरह आप पूरी श्रद्धा से अगर माँ की पूजा करते हैं तो माँ स्कंद माता आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। ऐसी है माँ स्कंद माता की महिमा।